शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर। आपके साथ मैं हूँ विशाखा रतन। कर्मा आयुर्वेदा ने देश विदेश में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। ये विश्व के बेहतरीन आयुर्वेदिक किडनी केंद्रों में से एक है। ये सन 1937 के बाद से ही लगातार किडनी के पेशेंट्स का आयुर्वेदिक इलाज करता रहा है। ये धवन परिवार द्वारा स्थापित किया गया है और डॉक्टर पुनीत धवन उनकी पांचवी पीढ़ी हैं जो कर्मा आयुर्वेदा को अपने अनुभवों से सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। कर्मा आयुर्वेदा के CEO डॉक्टर पुनीत धवन एक एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक किडनी डॉक्टर हैं जिन्होंने अब तक दुनिया भर में हजारों मरीजों का इलाज किया है। उनकी उपचार तकनीकों के कई किडनी मरीजों को बेनिफिट्स हुए हैं जो कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बिना ही ठीक हो गए हैं। आज हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद हैं जिन्हें किडनी की बीमारी थी। उनका नाम करण सिंह चौहान है जो कि अलीगढ़ के रहने वाले हैं। कर्मा आयुर्वेदा ने करण सिंह चौहान की दोनों किडनीज को मात्र 5 महीने में ठीक कर दिखाया। तो आइए आपको दिखाते हैं मरीज की जुबानी कि डॉक्टर पुनीत धवन ने उन्हें डायलिसिस से कैसे छुटकारा दिलाया। क्या नाम है आपका? करण सिंह चौहान। कहाँ से आते हैं? अलीगढ़ से। जब आए थे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी? जब मेरे को ये प्रॉब्लम थी कि वीकनेस भी काफ़ी थी की अपेक्षा, और चलने फिरने मन नहीं करता था, लेटे रहने का मन करता था। ठीक है। और अब जो है मैं लगभग सुबह उठने के बाद में जो है 8-8:30 बजे उठ जाता हूँ, उसके बाद में फिर लेटता हूँ, शाम को 9-10 बजे लेटता हूँ। चलता रहता हूँ, मार्केट का काम मैं खुद अपने आप कर लाता हूँ, बैंक का काम खुद कर लाता हूँ जो है। अच्छा, पहले नहीं कर पाता था जो है। पहले लेटे रहने का आँख भी झब जाती थी ना, अब तो आराम से इंसुलिन कितने यूनिट्स ले रहे थे? इंसुलिन पहले जो है 20 और 4-4 दो बार, और एक 12 भी थी। इन 20 वाली जो है दो टाइम थी, 20 और 12। फिर जो है अभी मतलब सब... कुल मिला के 3 टाइम लेते थे। अब हम वो पेन सिर्फ 2 बार यूज कर रहे हैं, 2 बार में होने लंच में। शुगर कंट्रोल चल रही है, शुगर कंट्रोल चल रही है, बहुत कंट्रोल चल रही है। अभी तो सेब खा लेते हैं आराम से, पूरा सेब भी खा लेते हैं, अमरूद क्योंकि शुगर सही है तो पूरा अमरूद खा लेते हैं, पूरा सेब खा लेते हैं। और ब्लड प्रेशर कंट्रोल आ रहा है? बिल्कुल। एक गोली खाते थे, आधी गोली खाते। एक पे दूंगी तो ड्रॉप हो जाएगा, आज ही देखूंगी। बहुत अच्छी बात है। क्रिएटिनिन कितना था जब आए थे? 3.20 था। अब इस समय लेटेस्ट जो है 1.99 है। 1.99। तो बीपी शुगर कब से है आपको? बीपी शुगर तो बीपी तो खैर अभी 7-8 साल से ही है। बीपी तो 7-8 साल से भी कम पे है, 5-6 साल से। शुगर बहुत पुराना, शुगर बहुत 94 से। 94 की वजह से तो प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत अच्छा। ये इनकी टेस्ट है, इन्होंने जब ये आए थे 3 अक्टूबर 2017 की ये रिपोर्ट है, यही लाए थे ना फर्स्ट? इसके बाद ही ट्रीटमेंट शुरू किया। 3.2 इसके अंदर इनका क्रिएटिनिन है, 3.2 डॉक्टर लाल पैथ की रिपोर्ट है। उसके बाद फिर इनके रिपीट टेस्ट होते गए और उसके बाद इनका क्रिएटिनिन घट के आया, ये 2.87 हो गया, 2.87 12/9/2017। उसके बाद 28/10 इसका इन्होंने दोबारा टेस्ट कराया, 2.79 इनका फिर क्रिएटिनिन हुआ। उसके बाद इन्होंने दोबारा एक बार टेस्ट कराया, 2.61 11/1/2018 की ये रिपोर्ट है, 2.61 इनका क्रिएटिनिन है। और इसके अलावा इनका जो हीमोग्लोबिन है वो भी इम्प्रूव हुआ है, यूरिया जो है वो भी इनका इम्प्रूव हुआ है, 89 इनका यूरिया है। एल्ब्यूमिन इनके जा रहा है यूरिन में, एल्ब्यूमिन ट्रेसेस में इस रिपोर्ट के अंदर, ये 11 जनवरी 2018 की रिपोर्ट। शुगर 1+ जा रही है यूरिन में से, 11 जनवरी 2018 की ये रिपोर्ट में। क्रिएटिनिन, यूरिया, एल्ब्यूमिन, शुगर सारी चीज़ें और इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसमें से प्रेजेंट, इम्बैलेंस्ड। इसके बाद इन्होंने दोबारा 27 फरवरी 2018 ये लेटेस्ट रिपोर्ट है,
इसके बाद इन्होंने कराया, इसमें जो इनका क्रिएटिनिन हो गया वो हो गया 1.99, यूरिया हो गया 79, फर्दर यूरिया दोबारा से रिड्यूस हुआ है इनका, और इनका जो पहले एल्ब्यूमिन जा रहा था इस रिपोर्ट के अंदर, ट्रेसिस में एल्ब्यूमिन था इस रिपोर्ट में, अभी इनका एल्ब्यूमिन हो चुका है एब्सेंट। शुगर 1+ जा रही थी इनकी इस रिपोर्ट में, अभी इस रिपोर्ट में जो हो चुकी है वो हो चुकी है एब्सेंट, यानी कि ओवरऑल सभी चीज़ों में इनको इम्प्रूवमेंट्स आए हैं। इनका जो क्रिएटिनिन लेवल था 3.2 के आसपास था जब इन्होंने स्टार्ट किया था, बीपी इनको लंबे समय से 7-8 साल से बीपी था, और 15 साल से शुगर है, लगभग 15-20 साल से इनको शुगर की समस्या है। इंसुलिन ले रहे थे, बहुत हैवी डोजेज में इनका इंसुलिन चल रहा था, इंसुलिन भी इनका रिड्यूस हुआ है, और अब तो मेरे ख्याल दिन में एक ही बार ये इंसुलिन ले रहे हैं। बिसाइड्स इंसुलिन, इनका ब्लड प्रेशर जो है वो, इनका एक टैबलेट ले रहे थे और हाफ टैबलेट में अब ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल्ड है। क्रिएटिनिन जो 3.2 था वो ग्रेजुअली रिड्यूस होकर आज 1.9 के रेंज में आ चुका है। यूरिया जो था वो रिड्यूस हुआ है। एल्ब्यूमिन पहले जा रहा था, प्रोटीन लीक आउट हो रहा था यूरिन में, अब वो एब्सेंट है, और शुगर भी जा रही थी, पहले शुगर बढ़ी हुई थी, शुगर भी जा रही थी इनके यूरिन से, अब वो भी एब्सेंट है, नील है। पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दोनों चीज़ों की हिस्ट्री थी, दोनों चीज़ों की मेडिसिन चल रही थी, और दोनों चीज़ों की कॉम्प्लिकेशन की वजह से किडनी डैमेज हुई, इनको चेंजेस और इम्प्रूवमेंट आते हुए ना केवल क्रिएटिनिन में बट ओवरऑल सभी चीज़ों में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पेशेंट का बढ़ता हुआ, किडनी की फंक्शनिंग पेशेंट की बढ़ती हुई, जिस तरीके से GFR बढ़ा वैसे वैसे इनको चेंजेस विजिबल होते गए, कैसे कैसे आ रहे हैं, और पेशेंट को ना सिर्फ इसमें फिजिकल लेवल पर भी बहुत अच्छे चेंजेस, पहले जैसे चल फिर नहीं रहते, लेटे रहते थे, बैठे रहते थे ना, और आप जो है अपना थ्रू आउट द डे एक्टिव रहते हैं, और आप तो 800 बार साइकिलिंग भी कर रहे हैं पूरे दिन में, तो बहुत अच्छे चेंजेस और रिजल्ट्स मेंटेन कर रहे हैं अपनी बॉडी को ही अब, और एक्सरसाइज इज आल्सो एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज। जैसा कि आपने देखा 3 अक्टूबर 2017 को जब करण ने अपना चेकअप करवाया तब उनका क्रिएटिनिन लेवल 3.20 था, जो कि कर्मा आयुर्वेदा से इलाज शुरू करवाने की पहले की रिपोर्ट थी। 4 महीने बाद 27 फरवरी 2018 को कर्मा आयुर्वेदा से इलाज करवाने के बाद करण सिंह का क्रिएटिनिन लेवल घटकर 1.99 हो गया। जैसा कि आपने खुद मरीज की जुबानी सुना, कर्मा आयुर्वेदा ने करण सिंह की किडनी डायलिसिस से छुटकारा उनको दिला दिया। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर है 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।